हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये जो आंखें इस समय नम है, ये उस संघर्ष की कहानी बयां करती है कि किस तरह से माता ने, जो मां ने लड़ाई लड़ी है 7 साल और आज आखिरी मोमेंट तक लड़ती रही है वो। आंटी, एक बहुत बड़ी जीत है, आपको कितनी बार हौसला खोते भी देखा है हमने, लेकिन जुडिशरी में विश्वास बना रहा। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं हुई रही, ये लड़ाई हम सबकी रही। खासकर मैं अपने वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये लड़ाई इन्होंने जीती, हम सब ने जीती, हम सबको बधाई और सबको इंसाफ मिला। आज अंकल क्या याद आ रहा है जब बेटी को याद करते, आज घर आके सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने? देखो, इस समय जो हमारे ध्यान में है, तिहाड़ जेल में एक सपने की तरह की इस तरह लटकाए गए होंगे, ये इस तरह से लटकाए गए होंगे, ऐसे शिक्षा खींचा गया होगा, ऐसे लटके होंगे। एक तरफ ये सीन था और एक सीन सिंगापुर का, जो अपनी बेटी को एक एक श्वास को टूटते हुए देखा है। वो दोनों एक साथ हमने कन्वेंशन किया कि एक वो भी दर्द था, एक ये भी है, लेकिन यहाँ हमें खुशी है, वहाँ हमें दर्द था, क्योंकि इन दरिंदों के वजह से उसके एक एक सांस को टूटते हुए देखा था मैंने। अब जब बेटी न्याय व्यवस्था से पूछा गया, उसने लिखवाया कि इनको फांसी दे देनी चाहिए, बल्कि फांसी से भी अच्छा होता कि इनको जिंदा जला दिया जाता, तो आज जलाए भी जाएंगे और फांसी तो दे दी गई। तो आज हम उस दोनों चीज को देख रहे हैं कि हम कहाँ खुश हैं, कहाँ गम है। तो आज हम खुश इस बात से हैं कि इनकी फांसी हो गई, और गम उस बात का है कि हमने अपनी बेटी को खो दिया। जिस तरह से आखिरी लड़ाई तक लड़ती रही, कई दिन कोशिश की निर्भय, आपने कहा कि एक कागज पर लिख कर दिया था कि मैं जीना चाहती हूँ, आज जब 5:30 का वक्त हुआ, जब वो काउंटडाउन चल रहा था, तो वो आखिरी सांसें जो टूट रही थी, उसका इंसाफ लगता है कि आज मिला है निर्भय? जी, फाइनली जब इनको 4 को फांसी पर लटकाई गई, तो मुझे फाइनली एहसास हुआ कि आज मेरी बच्ची को इंसाफ मिला और पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। ये जो दिन है आज का, एक इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। एबीपी न्यूज ये अपील कर रहा है कि इसको निर्भया दिवस के रूप में मनाया जाए। जी, आप लोग ये बात चाहते हैं निर्भया दिवस को इस दिन के रूप में मनाना एक अपील है? जी, शायद हमें अपील करने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि निर्भया जब इस दुनिया से गई, निर्भया के साथ घटना हुआ, पूरे देश निर्भया के इंसाफ के लिए खड़ा हुआ और देश की बेटी माना, तो मैं ये भी जानती हूँ और पूरा विश्वास है कि इस दिन को भी निर्भया न्याय दिवस के रूप में सब लोग मनाएंगे, पूरा देश मनाएगा। सबसे ज्यादा याद किस चीज की आ रही है, बेटी को कैसे याद कर? देखिए, फाइनली आज वो दिन याद आया कि नहीं, जिस तरह से बच्ची ने तड़प तड़प के सांसें तोड़ी थी, फाइनली आज उसको इंसाफ मिला और 4 मुजरिमों को फांसी हुई। की माँ जो खास एबीपी न्यूज पर बात कर रही थी, उनके माता और पिता, और कहीं ना कहीं दोनों के चेहरे पर ये संतोष नजर आ रहा है कि आज बेटी को इंसाफ मिल गया है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।